कुछ स्टूडेंट है कि उससे ज़्यादा भी समय निकाल लेते हैं, कुछ स्टूडेंट है उससे कम समय निकाल सर मैंने रखता है, घंटा मैंने नहीं रखता है। ठीक है, नहीं कम से कम 7 से 8 घंटा सबको पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा आप पढ़ते हैं तो समझिए कि आप टाइम पास कर रहे हैं। प्रणाम, मेरा नाम संतन कुमार है, आप देख रहे हैं SB टॉक्स। हम लगातार पटना में लाइब्रेरी विजिट आप लोग को करवा रहे हैं और ऐसे में हम अभी बुद्धा लाइब्रेरी में आए हुए हैं और हम बुद्धा लाइब्रेरी का फैसिलिटी आप सभी को दिखाएंगे और यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट से बातचीत करेंगे कि किस तरह से इस लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं और क्या क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया गया है और कैसा माहौल आपको इस लाइब्रेरी में मिलता है। तो आइए अंदर चलते हैं और यहाँ के स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। तो देखिए ये अंदर का कुछ माहौल है, काफ़ी शानदार दिख रहा है, तो आइए कुछ लोग से बात करेंगे। प्रद्युम्न कुमार, कब से आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं? लगभग 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। आपको यहाँ पे कैसा माहौल मिलता है? अच्छा माहौल मिलता है। और आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करने का ज़रूरत क्यों पड़ा? आप तो घर में भी पढ़ाई कर सकते थे। घर पे माहौल नहीं बन पाता है, पढ़ने मन नहीं लगता है। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? SSC का तैयारी कर रहे हैं। और नज़दीक से आकर दिखाइएगा, ये क्या कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैथ है। आप कहीं क्लास ज्वाइन किए हुए हैं मैथ का? ऑनलाइन क्लास करते हैं। यूट्यूब से या फिर कोई इंस्टीट्यूट का पेड कोर्स ही है? पेड कोर्स है। और कितना घंटा आप दिन का पढ़ाई कर लेते हैं? लगभग 6-7 घंटे। भाई साहब आप अपना नाम बताइएगा। अरविंद कुमार। आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? बीपीएससी का तैयारी करते हैं। आप कितना घंटा पढ़ाई करते हैं एवरेज? लाइब्रेरी में 6 घंटा पढ़ते हैं, रूम पर 3-4 घंटा पढ़ लेते हैं। आप रूम पर भी तो पढ़ाई कर सकते थे, लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन? जी रूम पर अकेला रहते हैं, लाइब्रेरी में माहौल अच्छा मिलता है, इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन किया। और उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किए? लाइब्रेरी ज्वाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी में आपको क्या यूनिक फैसिलिटी मिला? लाइब्रेरी का माहौल अच्छा है। अच्छा, आप अपना नाम बताइएगा। उपेंद्र कुमार। आप कब से इस लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई करते हैं? अभी 1 महीना हुआ है। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? रेलवे और SSC का। रेलवे SSC का तैयारी कर रहे हैं आप। कितना घंटा एवरेज पढ़ लेते हैं? जी यहाँ पे मैं 8 घंटा पढ़ लेता हूँ। ग्रेजुएटेड हैं आप? जी हाँ ग्रेजुएटेड। और कब फाइनल हुआ आपका ग्रेजुएशन? 21 में। कौन सा यूनिवर्सिटी से? LNMU यूनिवर्सिटी से। आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं? मधुबनी से। आप रूम पर पढ़ाई भी कर सकते थे बट आपको लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करना पड़ा? जी यहाँ पे मतलब पढ़ाई का एक माहौल है, मतलब रूम पे उतना माहौल नहीं बन पाता है पढ़ाई का। जी आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप वो लोग को किस तरह से पढ़ने का सजेशन देना चाहेंगे जो लोग आपके साथ ही पढ़ाई करते हैं? आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए। जी मतलब जो रूम से अच्छा यहाँ पे पढ़ाई होगा। भाई साहब आप अपना नाम बताइए। अमित कुमार। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? 12th का तैयारी करते हैं। मतलब कि कौन सा स्ट्रीम है 12th में? क्या कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं 12th? साइंस। साइंस। और कौन सा कॉलेज? आर लाल कॉलेज। ये बताइए कि आप कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? का यहाँ हाँ 5 घंटा आते हैं। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं आप? फिजिक्स। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ बनाते हैं। अपना नाम बताइएगा। जी पंकज। आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं। आप कभी एग्ज़ाम दिए हैं बिहार दरोगा का? जी दिया। तो क्या उसमें कहाँ पे आपका चूक रह गया जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं हुआ? पिछली बार मेरिट में चूक हो गया था। आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे किस तरह से आप तैयारी करते हैं? जी प्रैक्टिस सेट मारता हूँ। और आप? प्रैक्टिस सेट मारता हूँ और NCERT की बुक्स हैं या ऑथेंटिक बुक हैं उनको पढ़ता हूँ। अभी के अनुसार देखा जाए कि बिहार दरोगा का तैयारी जो लोग करते हैं उनको कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? जी वो पढ़ने वाले पर निर्भर है, कोई 2 घंटा पढ़कर भी अच्छा खासा नॉलेज ले लेता है, कोई दिन भर भी पढ़ के उतना गेन नहीं कर पाता है। वो तो पढ़ने वाले पर निर्भर करता है, उसकी पहले की तैयारी कैसी है। वो शुरू से तैयारी अच्छी है तो उसको कम मेहनत करना पड़ेगा, और जो जिसकी तैयारी मतलब उतनी अच्छी नहीं है जी तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये बताइए कि आपको आप घर पे भी रहकर पढ़ाई कर सकते थे बट आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करने का क्या रीज़न हुआ, क्या ज़रूरत पड़ा आपको? यहाँ पर थोड़ा माहौल मिल जाता है और थोड़ा सा माहौल यहाँ ठंडा भी रहता है। ठंडा लगता तो आपको नींद नहीं आता है गर्मी में जब आपको ठंडा का माहौल? जी नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा सही है, रूम का अपेक्षा यहाँ पर सही है। और लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं? उनको पढ़ने में जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ पढ़ें, जहाँ अच्छा महसूस करें। जी आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं?
कैमूर डिस्ट्रिक्ट। आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया? जी। कब? 2012। 2012 में आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। 2012 से अभी देखे कि 10 साल लगभग हो गया ग्रेजुएशन के बाद आपको, तो इतना दिन आप समय कहाँ पे दिए? जी मेरी दुकान भी, हमें दुकान पर भी रहता था। किस चीज़ का दुकान है आपका? पेपर मैगजीन की दुकान। पेपर मैगजीन पटना में कहाँ पे है दुकान? होम डिस्ट्रिक्ट पटना। आप कब आए थे पटना? अभी 2017 के लास्ट में आया था। 2017 के लास्ट में आए थे, यानी कि पटना में आप 5 साल रह चुके हैं। हाँ, जिसमें 2 साल कोविड भी था, 2 साल से घर गया था। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाई साहब आप अपना नाम बताएंगे? विकास कुमार। आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? एसएससी रेलवे। आपको लाइब्रेरी में कैसा माहौल मिलता है? यहाँ का माहौल तो अच्छा है। अच्छा है। हाँ। आप इस लाइब्रेरी का फ़ी के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, फी भी जरूर बताएंगे। आप कितना घंटा का शिफ्ट लिए हुए हैं? हम तो यहाँ लिए हैं 10 घंटा का शिफ्ट। 10 घंटा कितना फ़ी आपको देना पड़ा? अभी 600 रुपया देना पड़ा। 600 देना पड़ा। आप ये बताइए, एसएससी रेलवे का तैयारी करें यानी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आप दिन का एवरेज कितना घंटा पढ़ाई कर लेते होंगे? वही 10 घंटा तो यहाँ लाइब्रेरी में कर लेते हैं, और सुबह का 2 घंटा निकालते हैं 8 से 10 रूम पर, बस इतना ही पढ़ाई करते हैं। कि 10 से 12 घंटा आप पढ़ाई कर लेते हैं? 12 घंटा समय 24 घंटा में निकाल लेते हैं पढ़ाई का। आपको लगता है कि 12 घंटा पढ़ना इनफ है या फिर ज़्यादा है? नहीं, अब हमारे हिसाब से तो मतलब 12 घंटा समय निकाल पाते हैं। कुछ स्टूडेंट है कि उससे ज़्यादा भी समय निकाल लेते हैं, कुछ स्टूडेंट है उससे कम समय निकाल पाते हैं, तो उनके ऊपर ये निर्भर करता है कितना समय आप निकाल के पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ते हैं। शशि भूषण कुमार, आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? बीपीएससी का। बीपीएससी का तैयारी करते हैं। आप दिन का एवरेज कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? दिन में वही 7 से 8 घंटा। 7 से 8 घंटा। क्या 7 से 8 घंटा बीपीएससी के लिए इनफ है? डेडिकेशन मैंने रखता है, घंटा मैंने नहीं रखता है, ठीक है? जी जी। 7 घंटा 8 घंटा रेगुलर वे में पढ़ते हैं तो हो सकता है। जी, एक एवरेज टाइप का स्टूडेंट को कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कम से कम 7 से 8 घंटा सबको पढ़ना चाहिए। उससे ज़्यादा आप पढ़ते हैं तो समझिए कि आप टाइम पास कर रहे हैं, उसके बाद दिमाग काम करता नहीं है। तो आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया? हाँ, हो गया। कब हुआ था? 17 में। 17 में। जब से आप बीपीएससी का ही तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले कुछ और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं? और जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे, लेकिन 1 साल से हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो आपको, आप जनरल कंपटीशन का पहले तैयारी करते थे, आपको क्या वजह है कि आपको बीपीएससी की ओर पांव रखना पड़ा? क्या वजह? नहीं, ये रेगुलर वैकेंसी है, हम देख रहे हैं कि मेरा, हमको चांस है, हम कर सकते हैं, इसलिए हम पहले से भी कर चुके हैं, एक बार मेंस भी दे चुके हैं। हाल ही में एनटीपीसी का रिजल्ट आया, क्या एनटीपीसी का आप एग्ज़ाम नहीं दिए थे? एग्ज़ाम दिए थे। तो तैयारी हम नहीं करते हैं ना। जी जी। हाँ, तो आप, आपको लाइब्रेरी में कैसा माहौल मिलता है? घर का माहौल से कैसे यहाँ पे अलग माहौल? लाइब्रेरी में एक माहौल मिलता है कि 4-5 घंटा आदमी रेगुलर वे में बैठ कर पढ़ सकता है, उसके बाद आप घर पर ही पढ़ सकते हैं। आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो लोग अभी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं? अपने अनुसार आप क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? क्या जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आदमी को पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाहिए, उसे पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन, किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके आधार पर तैयारी करना चाहिए। आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट का नाम बताएंगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या आपको यूनिक लगता है जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? यूनिक क्या है उसमें, कहने का मतलब प्रेजेंट से लेकर के पास्ट को हम भी जान पाते हैं, अपने इतिहास को जान पाते हैं, उससे होता है कि फ्यूचर में हमको क्या करना है, किस तरह करना है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री का जनक का नाम बताएंगे? हेरोडोटस। हेरोडोटस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अंकित कुमार। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? मेडिकल नीट का। नीट का तैयारी करते हैं। आप कभी अटेम्प्ट दिए हैं नीट का? जी, एक बार दिया हूँ। तो क्या उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा? परफॉर्मेंस रहा लगभग 60 नंबर से, मतलब नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। जी जी। तो क्या चूक रह गया था उसमें? जी, उसमें मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था और साथ साथ 12th भी था, तो दोनों का प्रेशर था इसके लिए। जी जी। और कितना घंटा अभी पढ़ाई करते हैं? अभी लगभग लाइब्रेरी में 7 से 8 घंटा, फिर थोड़ा बहुत रूम पे, फिर आने के बाद। 12th आपका कब फाइनल हुआ? 12th 2021 में हुआ था सर। 2021 में। कैसा परफॉर्मेंस रहा 12th में? कैसा मार्क्स? बहुत अच्छा रहा। 75% आया था। 75%। बिहार बोर्ड से? जी, बिहार बोर्ड से दिया था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? बेगूसराय से हूँ। बेगूसराय से हैं। जी जी। आपको पटना में क्यों आना पड़ा? बेगूसराय में रहकर क्यों नहीं पढ़ाई? जी, सबसे बड़ी बात है कि घर पे वैसा माहौल नहीं मिल पाता है, और यहाँ लाइब्रेरी में आने के बाद यह है कि बहुत अच्छा फैसिलिटी, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, एसी चल रहा है, या गर्मी बहुत लगता है रूम पे, वातावरण नहीं है, सबसे बड़ी बात आलस लगती है रूम पे, इसके लिए यहाँ पे आना पड़ा। गर्मी में जब एसी
चलता है ना तो नींद भी आता है। नहीं, वैसा कुछ नहीं, जब तक आपका एक लक्ष्य रहेगा आगे तो आपको नींद क्या कुछ भी नहीं लगेगा। आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, आप तो एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो नीट का अभी तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हैं? जी जी, उनको सजेशन देना कहूँगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और पटना में अगर हैं तो अगर ऑनलाइन कोचिंग लेके और लाइब्रेरी में इतने मिनिमम कॉस्ट में अगर लाइब्रेरी आपको मिल रहा है, इतने अच्छे फैसिलिटी, तो ज़रूर से ज़रूर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें। तो अभी हमारे साथ बुधा लाइब्रेरी के ऑनर हैं और हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये अपना लाइब्रेरी में फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और कितना फी है, सारा कुछ डिटेल हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कमल, कमल आनंद। कमल आनंद, आप लाइब्रेरी कब से चला रहे हैं? 2018 एंड से स्टार्ट किए थे हम, और प्रॉपर जनवरी 2019 में रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो गया था। ये बताइए कि आप लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? देखिए, फैसिलिटी जो प्रायोरिटी जो स्टूडेंट्स का रहता है वो सारा बेसिक फैसिलिटी तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे गर्मी का दिन, जैसे अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो प्रायोरिटी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में आके 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, तो उनको मिनिमम एसी का रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि गर्मी में नहीं तो अगर गर्मी आपको लगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे प्रॉपर। एसी, पानी के लिए प्रॉपर हम वाटर कूलर प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन्स हो गया, और जितना जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके जो भी बुक्स होते हैं, जनरल बुक्स, वो सारे बुक्स एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं जनरल कॉम्पिटिशन के, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सारे मीडियम्स में हम प्रोवाइड करते हैं। वाईफाई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं हाई स्पीड, ताकि स्टूडेंट अगर अपना ट्यूटोरियल ले सके, चाहे यूट्यूब पर अगर किसी टीचर्स का ट्यूटोरियल देखना है तो वो सब फैसिलिटीज़ उनको मिलती है यहाँ पर। फ़ी के बारे में थोड़ा बताएंगे सर? देखिए, फ़ी तो मॉर्निंग शिफ्ट का वो 300 होता है, दोपहर के शिफ्ट का 350, कभी वेरिएशन पे अगर बढ़ता है तो 400 होता है, इवनिंग शिफ्ट का फिर 300 हो जाता है फ़ी, और नाइट ऑन डिमांड अगर स्टूडेंट्स के रहते हैं तो नाइट शिफ्ट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और क्या आप गरीब छात्रों के लिए कुछ व्यवस्था रखे हुए हैं, कुछ फ़ी में डिस्काउंट करते हैं? देखिए, अगर स्टूडेंट्स वैसे रहते हैं जिन पे देखने पे फील होता है कि नहीं, और जिनका अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड भी अगर पता चलता है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए हम लोग कुछ डिस्काउंट करते हैं, खासकर अगर कोई फीमेल कैंडिडेट होती हैं तो उनको हम लोग फ्लैट जो भी चार्जेज उस समय है उस पर हम लोग फ्लैट 25% डिस्काउंट देते हैं। हमने आपका लाइब्रेरी विजिट किया सर, उसमें अभी फीमेल कैंडिडेट एक भी नहीं है, तो क्या? देखिए, प्रॉपर है कि ये जो एरिया है पदार्थ समिति का, यहाँ पे नियर बाई में आपको गर्ल्स हॉस्टल्स आपको नहीं मिलते, क्योंकि और लोकल जो भी स्टूडेंट्स हैं और लोकल लगभग स्कूल कॉलेजेस जाने वाले लोग हैं, तो वो रेगुलर बेसिस पे क्या कहता है प्राइवेट लाइब्रेरी यूज़ जनरली करती नहीं है। और स्टूडेंट्स एरिया अगर होता तो यहाँ फीमेल कैंडिडेट होती, स्टूडेंट हॉस्टल अगर गर्ल्स हॉस्टल्स होता तो स्टूडेंट कैंडिडेट्स आपको मिलते हैं फीमेल कैंडिडेट। तो अभी अगर कोई फीमेल कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहे तो क्या ले सकती है? हाँ जी, ज़रूर। ये बताइए सर कि आपका लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से अलग कैसे है सर? देखिए, स्टूडेंट जब 6 घंटे 8 घंटे बैठते हैं तो थोड़ा स्पेस उनको चाहिए होता है, क्योंकि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अगर टकरा रहा है, चाहे बहुत जगह लाइब्रेरी में होता है कि अगर जैसे जो रो बने होते हैं तो रो के बीच में गैप नहीं होता है, इसके कारण एक स्टूडेंट पे उठता है तो उसको निकलने के लिए दूसरे स्टूडेंट में टकराना पड़ता है। और जो आदमी आपके पास 6 घंटे 8 घंटे बैठ रहा है तो उसको आप पर केबिन का साइज इतना स्पेस आपको देना ज़रूरी होता है कि वो एक लैपटॉप रख सकता है, साथ में एक बुक ओपन करके रख सकता है, एक उसके पास एक कॉपी चाहे नोटपैड कुछ भी ओपन करके रख सकता है। तो पर केबिन का साइज़ थोड़ा बड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बड़ा नहीं रहेगा तो उसका दोनों हाथ से टकराता रहेगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 6 घंटे 8 घंटे नहीं 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, वो बस खाना खाने के लिए घर जाते हैं, फिर आते हैं पढ़ते हैं 2 घंटा 3 घंटा यहीं पर पावर नैप लेते हैं, हेड डाउन करके सोते भी हैं 2 घंटा। तो हमने एक फैसिलिटी और देखा कि आप जो डेस्क बनाए हुए हैं वो वाइट बोर्ड है। जी जी हाँ, वाइट बोर्ड के पीछे एक रीज़न ये होता है कि मैथ्स के कैलकुलेशन हो गए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री के कोई कैलकुलेशन हो गए, स्टूडेंट्स को अगर मन होता है तो हम उन्हें बोलते हैं कि ठीक है आप वहाँ पे यूज़ कर लो मार्कर, आप मेंशन करो, लेकिन प्रॉपर क्लीन कर देना ताकि नेक्स्ट बैच का जो स्टूडेंट है उसको प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसलिए वो यूज़ करते हैं। और हर एक कितने भी केबिन्स हैं सब पे एक चार्जिंग पॉइंट है कि फ़ोन्स वगैरह, क्योंकि आज के डेट में सारा क्लास स्मार्ट क्लास हो गया है तो डिजिटल मीडियम से पढ़ रहे हैं तो फ़ोन भी चार्ज का ज़रूरत होता है। लाइब्रेरी का एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे ताकि जो स्टूडेंट इस एरिया में रहते हैं वो आपका लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकें? देखिए, बाजार समिति केला मंडी के पास रिद्धि जिम के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको अपना कीमती समय देने। जी धन्यवाद जी। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और इसी तरह के नए नए वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेगा। धन्यवाद।